हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई का पार्ट टू, हार्मफुल एस्पेक्ट। मींस जो फंजाई है उसका आर्थिक महत्व का कल हम लोगों ने यूजफुल एस्पेक्ट्स यानी उससे जो हमको लाभ मिलते हैं वो डिस्कस किए थे। आज हम लोग हार्मफुल एस्पेक्ट्स देखेंगे कि क्या क्या होती हैं हानियाँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, उसमें आता है डिट्रियोटेशन एंड स्पॉयलेज बाय फंजाई। सबसे पहला तो फंजाई का अगर नाम लो कि फंगस लग गया है, तो फंगस को हिंदी में कवक भी कहते हैं, तो उस पर दिमाग में आता है कि वो सबसे पहले जैसे भोजन है, हमारे कपड़े हैं उनमें लेदर है, कुछ भी थोड़ा भी अगर मॉइस्चर होता है तो फंजाई ग्रो कर जाता है। तो जो सेप्रोफिटिक फंजाई है वो मोस्टली नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी डेड मटेरियल आप कह सकते हो उनमें ग्रो करते हैं। तो क्या करते हैं ये जैसे फूड पर ग्रो किए और उसको स्पॉइल कर दिए, मींस ख़राब कर दिए। लेदर, जैसे लेदर के शूज़ हैं आपने देखा होगा रेनी सीजन में, उनमें मॉइस्चर लग जाता है तो फिर अगर थोड़े दिन रखे रहे तो उनके ऊपर ग्रीन ग्रीन फंगस लग जाता है। इसी तरह क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं, काफ़ी दिन रखे रहे तो उनमें भी फंगस ग्रो कर जाता है मॉइस्चर से। अगर नमी है उस जगह तो निश्चित है उसमें फंगस लग जाएगा। तो इससे वो मटेरियल क्या होता है वो ख़राब हो जाता है। अब सब साइगोमाइसिटीज क्लास, डिटेरियोमाइसिटीज इन क्लासेस को बिलोंग करती हैं। तो ये क्या करती हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में रॉटिंग कर देते हैं। और जैसे कि राइजोपस नेग्रिकेन, तो ये क्या करता है, ये स्वीट पोटैटो यानी आपके जो शकरकंद में जब फंगस लगता है तो वो राइजोपस नाइग्रीकेन द्वारा लगता है। इसके साथ साथ फंजाई जो है जैसे कि पेनिसिलियम डिजिटेटम, पेनिसिलियम एक्सपेंसम और एस्परजिलस ग्लैकस, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस क्लेवेटस, ये सभी क्या है, और फ्यूजेरियम, ये जो मीट होता है उसको स्टोर कर लिया जाता है जैसे, तो उसके उसको वो इन्फेक्ट कर देती है, स्पॉइल कर देती हैं। ये सभी फंजाई ऐसी हैं। तो जैसे सपोज करिए मीट का जो प्रिजर्व मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसमें भी अगर ज़रा सा भी कहीं से मॉइस्चर मिल जाता है वो पैकिंग में तो उसमें फंगस ग्रो कर जाता है। और जो ब्रेड के ऊपर हम लोग देखते हैं फंगस लग जाता है वो मोस्टली होता है म्यूकर म्यूसेडो और एस्परजिलस रेपेंस और एस्परजिलस फ्लेवर। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे भोजन को स्पॉइल कर देती हैं फंगस। जैसे देखिए ये शकरकंद में लगा हुआ है और ये ब्रेड में ग्रीन ग्रीन कलर का लग गया है जैसा अभी मैंने बताया था एस्परजिलस द्वारा। और ये देखिए वेजिटेबल्स में टमाटर अगर रखे हो थोड़ा बहुत भी अगर उनमें मॉइस्चर आता है तो मतलब मॉइस्चर का मीन्स भाई मॉइस्चर तो रहता ही है, रस रहता है, लेकिन अगर ज़रा सा भी वो सड़ना आपने देखा कि कैसे फूड स्पॉइल हो गया। अब आती है बात की टेक्सटाइल जो कि आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो टेक्सटाइल जो है जैसे कि वूल है, वूल मींस ऊन, वो मोस्टली अल्टरनेरिया और स्टेरिफाइलम पेनिसिलियम ट्राइकोडर्मा इनके द्वारा, ऊनी कपड़े इनके द्वारा डिस्ट्रॉय होते हैं। जबकि रेयन जो है वो आपका एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम द्वारा डिस्ट्रॉय होता है। और इसी तरह कॉटन जो है वो वो ट्राइस और चीटोमियम द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस डिस्ट्रॉय इज ख़राब, नष्ट होना। इसी तरह सिल्क इंडस्ट्री हैं वो, उनको तो बहुत सारी सीरियस डैमेज हो जाती हैं सिल्क में, जैसे स्कोपुलेरियोसिस, स्टेफ काई बोटाइरिस एंड ट्राइकोडर्मा,
इनके द्वारा उसमें इन्फेक्शन हो जाता। तो इस तरह ये तो हो गया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। अब आती पेपर इंडस्ट्री, तो बहुत सारी फंजाई हैं जो पेपर को भी डिकम्पोज कर देती हैं, उसमें जो सेलुलोज और लिग्निन होता है उसको ख़राब कर देती हैं। जैसे कि ये आपका ये सभी जो भी हैं ये फंजाई क्या करती है, जो सेलुलोज और लिग्निन है उसको डिकम्पोज कर देती हैं, जिससे पेपर ख़राब हो जाता है। अब लेदर इंडस्ट्री में भी काफ़ी फंजाई है, जो कि और इंडस्ट्री के साथ साथ जैसे घर पर भी हम लोगों को जो लेदर प्रोडक्ट रखा होता है उसको एस्परजिलस नाइगर और पेनिसिलियम और पी सिलोमाइसिस इनके द्वारा इन्फेक्शन होता है लेदर में भी। अब आती है बात रबर की, तो जो रबर इंडस्ट्री है उसमें भी सॉरी, तो वहाँ पर जो रबर प्रोडक्ट्स जो हैं उनको भी स्पॉइल कर देता है, जैसे एस्परजिलस कैंडिडस, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस टेरेस, पेनिसिलियम स्पेसिस, ये सभी रबर को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं ये जितनी भी फंजाई हैं। इसके अलावा पेंट्स, पेंट्स में भी फंगस लग जाता है, जैसे कि एस्परजिलस की कुछ स्पीसीज हैं पेनिसिलियम, क्लोडोस्पोरियम और पिलेरिया, ये सभी क्या करती हैं, ये आपका जो पेंट में मोल्ड वगैरह होता है उसको उस पर स्पॉट ले आती हैं, उसको ख़राब कर देती है पेंट की सरफेस को, जो पेंटेड सरफेस होती है। अब वुड रॉटिंग फंजाई, बहुत सी फंजाई ऐसी हैं जो वुड में रॉटिंग कर देती हैं जिसके कारण वो ख़राब हो जाती है वुड। तो जैसे कि जो ये आपकी ड्राई रॉट डिसीज़ होती है वुड पर, वो सर्पुला लेकायरमेंस द्वारा होती है, जबकि जो वेट रॉट डिसीज़ है वो डिसीज़ किस पे, वुड में। इसके अलावा आपका फंजाई जो है वो वुड में जो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, उन कंपोनेंट्स को तोड़ देती है फंजाई। और इसके साथ साथ कुछ फंजाई ऐसी हैं जो कि ट्रीज़ पर, जो कि वुड रॉट डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो मोस्टली हैं पॉलीपोरेल्स ऑर्डर के मेंबर्स हैं, वो ऐसा करते हैं। और उनमें जो जीनस है वो है पॉलीपोरस टोमेंटोसस, पॉलीपोरस सीमेंटिज़ाई और गैनोडर्मा स्पीसीज, ये सभी वुड रॉटिंग करते हैं, जो कि प्लांट्स की टिम्बर रूट, टिम्बर वुड वगैरह, ये देखे यहाँ पर मेंशन है कि किस तरह से ये वुड को इन्फेक्टेड कर दी। इसके अलावा फंजाई जो है वो एयरक्राफ्ट्स के फ्यूल टैंक में भी मतलब फैल जाती है, जिसके कारण वो जो प्लेन है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। क्या होता है कि जो उनका स्टोरेज टैंक होता है जिसमें फ्यूल भरा रहता है, कैरोसिन बेस्ड वो फ्यूल होता है, तो उसमें फंगल माइसीलियम बढ़ जाता है, और बढ़ने से फिर क्या होगा, उनका जो पाइप है या वॉल्व है जिसके द्वारा पूरे वो जो एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट जो भी है उसके इंजन तक वो पास हो रहा है फ्यूल, तो वो कवर हो जाता है उसमें, मतलब पूरा फंगल हाइफी भर जाता है, तो जिसके कारण वो पास ही नहीं हो पाता है। तो इससे क्या, ठेका रेजिनी फंगस है, ये एयरक्राफ्ट के फ्यूल टैंक में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसको कैरोसिन फंगस भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो एल्युमिनियम का एलोय होता है या जो कोरोडे मेटल होता है
उसमें भी ये इन्फेक्शन करता है, क्योंकि ये इन जगहों पर बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो ये एल्युमिनियम वगैरह के ऊपर भी फंगल ग्रो करके और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब इसके साथ साथ फंजाई से बहुत सारी डिसीजेज भी होती हैं, ह्यूमन में भी, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में। तो यहाँ पर हम कुछ फंगल डिसीजेज का डिस्कस करते हैं जो ह्यूमंस में हुई हैं, जैसे कि आपके जो फंजाई है उसके द्वारा स्किन इन्फेक्शन बहुत होता है, जो दाद खाज है वो फंगल डिसीज ही होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी फंगस रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट को भी इन्फेक्टेड कर देती हैं। रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट मीन्स श्वसन तंत्र जिसको कहते हैं, तो उसमें आपके फेफड़े हैं, और इसके अलावा आपका जो क्या कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे कि इंटेस्टाइन है, लीवर है, कॉर्नियल टिश्यूज़ हैं, इनको भी। कॉर्नियल टिश्यूज़ कहाँ के? आँख के। तो जो आँख की कॉर्निया है उस पर भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है कभी कभी। तो नहीं कहते हैं आँख में कीचड़ सा आ रहा है, वो फंगल इन्फेक्शन के ही कारण आता है। और इसके अलावा माइकोसिस डिसीज होती है जो ट्रू फंजाई है उसके द्वारा ही होता है। और माइकोटॉक्सिकोजिस जो आपका माइकोटॉक्सिकोजिस जो डिसीज है, ये आपका टॉक्सिक फंगल जो मेटाबोलाइट्स हैं उनके द्वारा होता है। अब इसके तो जो ये सुपरफिशियल या डर्मेटोसाइट्स डर्मेटोमाइकोसिस होते हैं, तो इस पे क्या होता है, मोस्टली इस तरह के इन्फेक्शन में हमारे जो हेयर्स हैं, नेल्स हैं, स्किन्स हैं, उनमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। वो जो कैरेटिनाइट टिश्यूज़ होते हैं, जिन फंगस द्वारा होता है, उनको डर्मेटोफाइट्स कहते हैं। जैसे टीनिया जो डिसीज़ है, वो एक कॉमन डिसीज़ है जो कि डर्मेटोफाइट्स द्वारा होती है। और कुछ फंगस जो डर्मेटोफाइट्स कहे जाते हैं, वो हैं एपिडर्मोफाइलोन, माइक्रोस्पोरियम और ट्राइकोफाइलोन एट्सेट्रा। इसके बाद आता है सबक्यूटेनियस माइकोसिस। सबक्यूटेनियस माइकोसिस में क्या होता है कि कुछ फंजाई ऐसी हैं जो कि सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये किसी घाव द्वारा या कट द्वारा एंटर कर जाते फंगस। सपोज़ करिए कभी कभी कोई कोई घाव बहुत ज़्यादा दिनों में भरता है, कहने लगते हैं हम लोग कि पक रहा है। तो वो पकना क्या, वो उसमें फंगल इन्फेक्शन होने लगता है मॉइस्चर के कारण, ख़ास तौर से बरसात के दिनों में। तो जब इस तरह का जो ये डिसीज़ होती है, ये मोस्टली स्पोरोट्राइकोसिस कहलाती है, और ये स्पोरोट्राइकम सेनकाइस द्वारा होती है। अब इसके बाद आती है आपकी एक और एग्जांपल है डिसीज़ का, जैसे कि हाथ और पैरों में वो दाद खाज टाइप की हो जाती है, तो वो होती है आपकी, वो डिसीज़ कहलाती है क्रोमोमाइकोसिस। और होती है वो आपकी फोन से किया और क्लैडोस्पोरियम द्वारा। अब हम लोग बात करते हैं जो सिस्टमेटिक ये माइकोसिस है, मींस कभी कभी ये डिसीज़ बहुत घातक हो जाती है, फंगल डिसीज़, और वो फंजाई हिस्टोप्लाज्मा है, ये ब्लड में इन्फेक्शन कर देता है, कैप्सुलेटम, और कोकिडियोडेस, इमिटिस, और इसके अलावा ब्लास्टोमाइसिस, डर्मेटिडिस और कैंडिडा एल्बाइसेंस, ये सभी जो हैं फंजाई, ये बहुत ही घातक बीमारियां करती हैं। और जैसे कि जो लंग, ब्रेन और गैस्ट्रिक टिश्यूज़ को अफेक्ट करते हैं, वो हैं म्यूकर और राइजोपस।
इसके अलावा जो आँख में कॉर्नियल टिश्यूज़ में इन्फेक्शन होता है वो न्यूरोस्पोरा और फ्यूजेरियम द्वारा होता है, जबकि एस्परजिलोसिस जो कि है तो इस पर क्या होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम होते हैं वो दिखते हैं, और वो एस्परजिलस नाइगर द्वारा, एस्परजिलस फ्लेवस द्वारा, एस्परजिलस टेरियस द्वारा होता है। तो इस तरह की डिसीज़ को एस्परजिलोसिस कहते हैं, क्योंकि मोस्टली ये एस्परजिलस जीनस द्वारा फैलती है। जबकि जाइगोमाइकोसिस जो कि है वो म्यूकर एंड राइजोपस द्वारा फैलती है, मतलब उसका कारण यही दोनों फंजाई हैं। इसके बाद आता है आपका कैंडिडाइसिस। इसमें क्या होता है कि स्किन से रिलेटेड और जो हमारा हार्ट से रिलेटेड, जिनको ब्रांचो कैंडिडाइसिस बोलते हैं डिसीज़, ओरल कैंडिडाइसिस और इसके अलावा पल्मोनरी कैंडिडाइसिस, ये सभी कैंडिडा एल्बाइसेंस से होती हैं। तो ये अलग अलग तरह अब आती है कि फंगल डिसीज़ जो कि बैक्टीरियल और वायरल के मुकाबले बहुत ज़्यादा ही घातक होती हैं और बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, तो ऐसी डिसीज़ को या ऐसी फंजाई को एंटी फंगल कंपाउंड में रखते हैं। और एक जो एंटी फंगल कंपाउंड जो सक्सेसफुल है सबसे ज़्यादा वो है मतलब आपका पोटेशियम आयोडाइड जो कि रोकता है उसको, और दूसरी मेडिसिन है एम्फोटेरिसिन और ग्रिसियोफोल्विन। ये मेडिसिन ऐसी हैं जो कि एंटी फंगल कंपाउंड्स को रोकती हैं उनको फैलने से। इसके अलावा आती है माइकोटॉक्सिकोसिस, तो जैसे कि आपका जो से पॉइजनस फंजाई हैं जो कि टॉक्सिक फंजाई हैं, तो उनसे जब इलनेस प्रोड्यूस होती है तो इस तरह की कहलाती हैं। माइको मीन्स होती है फंजाई और टॉक्सिक मीन्स विषैला, तो कॉजेज मीन्स कारण, तो मतलब विषैली फंजाई द्वारा जो डिजीज़ होती हैं वो माइकोटॉक्सिकोसिस कहलाती हैं। और इनमें टॉक्सिन पाया जाता है माइकोटॉक्सिन, जिसके कारण ये पॉइजनस सब्सटेंस बना लेती हैं। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारे पॉइजनस मशरूम हैं जैसे कि एमानिटा फेलोइडेज, पॉइजनस मशरूम हैं, अगर धोखे से हम लोग जो मशरूम के धोखे अगर इन पॉइजनस मशरूम को खा लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल होती हैं, क्योंकि इनमें टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि लीवर और नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। इसलिए हमको ये भी पता होना चाहिए कि एडिबल फंगस कौन सा है और पॉइजनस फंगस एडिबल मशरूम कौन सा है और पॉइजनस मशरूम कौन सा है। अच्छा, पेनिसिलियम की कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करती हैं, वो टॉक्सिन कौन सी हैं, ल्यूटियो स्टाइरिन, रुब्रा टॉक्सिन और साइक्लोप्लाजोनिक एसिड, ये जो हैं। तो ये क्या करती हैं, ये उस पर क्या कहते हैं टॉक्सिन रिड्यूस करती है, इस डिक उसको कहे कि आप स्त्रावित करती है, सीक्रेट करती है, जिसके कारण या प्रोड्यूस करती है आप बोल सकते हैं फ्यूजेरियम। ये लोग इस जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करती हैं वो बहुत ही ज़्यादा लीवर वगैरह के लिए हार्मफुल होता है। इसके अलावा वो जो एर्गॉट ऑफ राई है या आपका उस पर जो टॉक्सिक एल्केलॉइड्स है एर्गोमेट्रिन, एर्गोमेट्रिनाइन, ये सब क्या करती हैं, ये एर्गोटिज्म को प्रोड्यूस करती हैं।
इसके अलावा अफ्लैक्टोक्सिन एक टॉक्सिन है जो कि एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस नाइगर द्वारा प्रोड्यूस होता है, जो कि ग्रोइंग ग्रेन जो होते हैं उनमें हो जाता है। लीवर डैमेज होने के काफ़ी चांस रहते हैं। कुछ यहाँ पर मैंने प्लांट की डिजीज़ भी दी हैं और उनके पैथोजन दिए हैं, जैसे कि टोबैको में पेरेनोस्पोरा टोबैकिना द्वारा डिजीज़ होती है, जबकि कॉफ़ी में हेलमिंथोस्पोरियम वास्टेटिक्स और मेज़ में हेलमिंथोस्पोरियम वास्टेटिक्स मेडिस द्वारा। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो आपको पता ही, अल्टरनेरिया सोलेनाई फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। और स्टेम रस्ट ऑफ वीट पक्सिनिया ग्रैनिमिनिस द्वारा, सॉरी फर्स्ट ईयर में ही तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। लूज स्मट ऑफ वीट ये अस्टिलेगो सोलेनाई, और वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी एल्बुगो कैंडिडा द्वारा होती है। वेल्ट ऑफ एकेसिया ये फ्यूजेरियम वास इन्फेक्टम द्वारा होती है। तो ये सब जो डिसीजेस है ये मोस्टली प्लांट्स में होती हैं और प्लांट्स को इन्फेक्शन कर देती हैं। तो इस तरह से ये मैंने आपको बताई।